सभी को गुड गुड आफ्टरनून मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अडर ट्वेंटी फोर सेवन पर और सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद स्नेह प्यार आप पर आपके परिवार पर हमेशा रहे और आप अपने जीवन में उन्नति करें प्रगति करें अपने माता पिता अपने कुल का नाम रोशन करें तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स और आज मैं आपको एफ़ के बारे में बताने आऊँ क्योंकि अभी एफ में वैकेंसीज़ आई हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर सबसे पहले एक मैं बात बताऊँ असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है ग्रुप सी मतलब इसे आप छोटी पोस्ट ना समझिएगा जब आप बैंक में पी रिक्रूट होते हैं तो वो ग्रुप ए होता है फिर जब आप मैनेजर बनते हो तब आप ग्रुप बी होता है और ये डायरेक्ट क्या है ग्रुप सी की यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है तो एक काफ़ी अच्छी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है इसका कोर्स स्ट्रक्चर भी देखें तो आपका एटी टू एटी फाइव परसेंट ये बैंक्स है हाँ इसमें थोड़ा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उस पर आपसे क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको एफ़ के बारे में पढ़ना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले हमें एफ के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि जहाँ हम काम करने जा रहे हैं वहाँ हमारा वर्किंग कल्चर क्या होगा या हमारी प्रोफाइल क्या होगी वो तो एक अलग बात है लेकिन एफ ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्या इसके ऑब्जेक्टिव है क्या इसके रूल है नेशनल लेवल पे इसको आज हम डिस्कस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सभी से है कि भाई सेशन को शेयर ज़रूर करेगा और सेशन को लाइक like भी जरूर करेगा चलिए तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि फ़ूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके फंक्शंस के बारे में तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में बना था अब 1964 यानी आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान ठीक है थर्ड फाइव ईयर प्लान इंडिया का सबसे अनसक्सेसफुल प्लान रहा है रीजन इसके कई सारे में नंबर वन इंडिया ने दो वॉर को फेस करा था 1962 इंडो चाइना वॉर 1965 इंडो पाक वॉर और आपका क्या हुआ था 1965 और 64 में भारत में बहुत अकाल पड़ा था तभी तो भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने क्या नारा दिया था जय जवान जय किसान क्योंकि भारत की सीमाओं की रक्षा पर जवान अपने आप को तैयार रखे हुए थे और भारत के भीतर जब फूड स्कॉसिटी हो गई थी खाद्यान्न नहीं थे अनाज नहीं था तो किसानों पे हमारे देश ने निर्भर करा था और तब भारत के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने ये कहा था कि हर एक भारतीयों को ना प्रतिदिन हफ्त सप्ताह में एक बार ना क्या रखना चाहिए उपवास रखना चाहिए और हर कोई भारतीय उपवास रखता था उस समय दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है कि उस समय लिया गया था कि लोगों ने गमलों में भी गेहूँ उगाना शुरू हो गया था और तभी आपका 1966 सिक्सटी सिक्स 64, फोर सिक्सटी ये एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ और इंडिया में फिर आपका आगे चल के इसी के बेसिस पे आपका वाइट रेवोल्यूशन जो आनंद मिल्क यूनियन है अमूल का भी इसी से ही फाउंडेशन है क्योंकि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया फिर उसके बाद आपका वाइट रेवोल्यूशन जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं तो ये जो एफ सी आई है ये फूड कोऑपरेशन एक्ट 1964 से बनी थी इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारी खाद्य नीति यानी फूड पॉलिसी को लेकर है कि भाई इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट रहे सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट क्योंकि ये जो एफ सी आई है ना ये फार्मर्स से परचेज करते प्रोक्योरमेंट बोलते हैं परचेज करने को क्या बोलते हैं प्रोक्योरमेंट बोलते हैं तो एम एस पी जो है ना वो एम एस पी पे ही ये खरीदते हैं जो आजकल इतना आप सुन रहे हो एग्रीकल्चर फार्म लॉज के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें वो किसानों की एक है कि एम एस पी को लीगलाइज तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर से फूड ग्रेन्स को प्रोक्यूरमेंट करती है ऑन दी एम एस पी एम एस पी से कम नहीं लेती है ठीक है फिर ये जब इतना सारा जब अनाज ये परचेज़ करती है अब इसको किस में यूज होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेन्स यानी आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पी हम जिसे बोलते हैं जो आपके राशन लेते हैं ना लोग जो गरीब तबके के लोग हैं जो राशन लेते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए लेते हैं तो वो उसमें फंक्शन कौन करता है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो जितना भी अनाज आता है जितना भी फूड ग्रेन्स आते हैं राशन में वो आपका किसके थ्रू हो आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हो के आता है ओके गुड आफ्टरनून मिस्टर राहुल फिर ये एक बफर स्टॉक भी रखता है ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक यानी अनाज भंडारण ठीक है फूड ग्रेन को स्टोर करके रखता है कि अगर कोई नेचुरल क्लेमिटीज आ जाए या अब्रप्ट मानसून आ जाए जिससे क्या हो फूड ग्रेन प्रोडक्शन ही ना हो इंडिया में तो उस टाइम पीरियड को फिल करने के लिए इंडिया के पास इतना फूड ग्रेन होना चाहिए कि वो हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको सस्टेन कर सके आपने हाल ही में सुना होगा कि इंडिया अब अपने बफर स्टॉक का फूड ग्रेन स्टोरेज में इतना आगे बढ़ेगा कि हम और दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं ओके और दूसरे देशों में सपोर्ट करता है ओके तो उसको ज़रूर करेगा uh, मिस खुशबू नेगी एफ सी आई ए जी एम कोर्स बट इट वॉज रिटर्न दैट कोर्स स्टार्ट ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च ओके आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी बेटा यू विल गेट लाइव क्लासेज ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च से शुरू होगा वो आपको लाइव क्लासेस आपके जब ऐप आप के थ्रू एप अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर रखे होगी ऐप पे नोटिफिकेशन और आपकी क्लासेस शुरू होगी जहां से आप अडर ट्वेंटी अगर आप लैपटॉप पे मैं आपको दिखा दूंगा लैपटॉप से अगर आप सर्च करोगे तो उसमें पूरा स्टडी प्लान भी दिया है कि कौन सी फैकल्टी आपको कौन सा टॉपिक कराएगी और कितने बजे कराएगी चलिए अब आगे देखते हैं <coughs> तो एफ एक सिग्निफिकेंट रोल करता है ट्रांसफॉर्मिंग जो इंडिया की क्राइसिस मैनेजमेंट जिस जो फूड सिक्योरिटी पे बेस है उसमें एक बहुत पिविटल रोल प्ले करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का लोगो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम इसे हम बोलते हैं और ये फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले इस मिनिस्ट्री को जो हेड करते थे वो बिहार से एक बहुत नेता आते थे जिनका नाम था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनका निधन हो गया पिछले वर्ष तो अब भारत के जो मंत्री हैं या जिनके अंदर एफ सी आई वर्क करता है वो इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल उनके अंदर ये अभी वर्क करता है एफ सी आई एक क्या क्या है कानूनी बॉडी यानी एक लीगल बॉडी स्टेचूटोरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश तो 1965 में हुई थी लेकिन फूड कॉपरेशन एक्ट 1964 और ये जो हुआ था इट वाज इस्टेब्लिश अगेंस्ट दी बैकड्रॉप ऑफ मेजर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन स्पेशली वीट वीट की बहुत कमी हो गई थी तो हमने ना उस अमेरिका से वीट को इंपोर्ट करा था अमेरिका ने तब हमारे सामने कंडीशन रखी थी कि आप अपने जो रुपए की वैल्यू है ना वो डॉलर के मुकाबले में रखेंगे तब हमने ये डिवेल्यूएशन करा था अमेरिका के प्रेशर में ओके फिर ये जो मेन फंक्शन है क्योंकि उस समय फार्मर को सिक्योरिटी भी देनी थी तो एग्रीक इसी के तहत तहत क्या बनाया गया एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस और ए भी बनाया गया था जो आपकी ये मंडियाँ हैं ठीक है ये एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को जो सी ए सी पी बोलते हैं इसे ये पहले एग्रीकल्चर कमीशन के नाम से जाना जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय करता है वो आपकी यही ऑर्गेनाइजेशन देती है जो रेकमेंड करते हैं रेम्यूनेटिव प्राइसेस को यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसको फार्मर्स को <coughs> इसकी जो प्राइमरी प्राइमरी ड्यूटी होती है एफसीआई की वो परचेज स्टोर मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल फूड ग्रेस एंड फूड स्टफ़ तो ये मेनली प्रोक्योर करती है डायरेक्ट फार्मर से उसको स्टोर करती है उसे पी में या उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है अभी आपको उसका एक फ्लो चार्ट से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एफ का जो फंक्शनिंग का तरीका होता है कि फार्मर से प्रोक्योरमेंट करना एट एम आप देख रहे हो एम पर पी परचेज करा फिर एकोलेशन एलोकेशन करना स्टेट गवर्नमेंट को ऑन सेंट्रल इशू प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि इस स्टेट गवर्नमेंट को इतने प्राइस में अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये स्टेट गवर्नमेंट अपना एक कोटा ले लेती है कि हाँ भाई मेरे को इतना एक्स वाई जेड टन चाहिए फिर जब स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट के बिहा पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है फेयर प्राइस शॉप यानी आपकी राशन की दुकानों पे और यहाँ से फेयर प्राइस शॉप पे कम रुपयों में यानी कम पैसों में ये जो गरीब तबका है भारत का जिन्हें एक रुपये किलो या दो रुपये किलो पर अनाज दिया जाता है यानी बेनिफिशरी तक पहुँचता है ओके ओके okay. हाँ ah. uh, uh, आप स्टडी मटेरियल जो वगैरह ना रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है ये आपकी लाइव क्लासेज होंगी ठीक है. है तो ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को आप जब ज्वाइन करोगे जब से आपकी क्लास होगी तो तब आपको क्या मिलेगा तब उस दिन आपकी क्लास शुरू होगी रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है यू विल नॉट गेट एनी वीडियो टुडे बट आप जब ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च से क्लासेस शुरू होंगी तब आपको वीडियो और लेक्चर पी मिलना शुरू होगा उस दिन से ओके okay? लेकिन आप आज परचेज कर सकते हैं क्योंकि आज 77% परसेंट ऑफ चल रहा है मैं अभी आपको उसके बारे में भी डिटेल वाइज बताऊंगा। अगर एफ का एग्रीकल्चर सॉरी एफ का हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसके फाइव जन जोनल ऑफिस है आप जैसे जानते हो कि इंडिया को भी फाइव जोन में बांटा गया नॉर्थ जोन ईस्ट जोन वेस्ट जोन साउथ जोन और सेंट्रल जोन फिर इसके रीजनल ऑफिस है 25 फिर इसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है 170 सेवेंटी डिपो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पर आपको डिपो की मैनेजमेंट करनी होगी मेनली इसमें जो डिपो है वो 900 1971 डिपो है जिसमें से इस खुद ऑन जो करता है ये 548 बोलता है फोर्टी है बाकी इन्होंने क्या कर रखा है हायर कर रखा है यानी थर्ड पार्टी बेसिस पे ओके एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफ सी आई ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेम्यूटरेटिव प्राइस मिले फार्मर्स को और ट्रांसफॉर्मिंग दी क्राइसिक मैनेजमेंट ओरिएंटेड फूड सिक्योरिटी स्टेबल सिक्योरिटी सिस्टम यानी इंडिया में फूड सिक्योरिटी रहे खाद्यान्न की कमी ना रहे और डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सुचारू रूप से इफेक्टिवली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा रन कर सके और uh, इसके बाद इसका जो मेजर एक्टिविटी है एफ की वो क्या है आपका प्रोक्यूरमेंट कि भाई वीट हो पेडी क्रॉप्स यानी आपका राइस आ गया कोरस ग्रेन यानी मोटा अनाज हो गया ये इसका प्रोक्यूरमेंट करना वो भी किस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ठीक फिर उसके बाद ध्यान रखेगा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टीपीडीएस ये टीपीडीएस क्या है टीपीडीएस इसका फुल फॉर्म है ये हम यूपीएससी में पढ़ते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बीपीएल फैमिलीज़ के लिए होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन करना स्पेशली टीपीडीएस के थ्रू यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बीपीएल फैमिलीज़ को लो कॉस्ट प्राइस पे फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कराना स्टेट गवर्नमेंट एफ सी आई डिलीवर फ्रूट ग्रेन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट एजेंसी फ्रॉम इट्स बेस डिपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाई लेटर थ्रू फेयर प्राइस शॉप यानी जो राशन की दुकानों से आपका दिया जाता है ओके okay. uh, फिर इसकी जो लास्ट है वो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है इंडिया का ठीक है क्योंकि हमारे आप जानते हो पॉपुलेशन कितनी वाइड है और इंडिया में Uh, कितने सारे एरियाज़ है स्पेशली नाइनटीन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शुरू करा और नाइनटीन एटी में ये हमने ट्राइबल एरियाज़ तक भी पहुंचाया गया जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर एफ काम करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्योंकि एफ़ जो आता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक मिनिस्ट्री है ना फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंडर ये वर्क करता है ओके okay? अब ये तो थी आपकी एफ से रिगार्डिंग उसके रोल्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको मैंने बताया अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ठीक है कि सफलता पाने का सुनहरा अवसर आज भगवान शिव का बहुत ही पवित्र दिन है तो उसी वजह से अंडर ट्वेंटी फोर सेवन अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या लाया है सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी सभी महापैक्स पे लाइव क्लास पे और टेस्ट पैक पर तो सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट यूज़ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको यूज़ करना पड़ेगा कैपिटल यू वन नाइन वन डिस्काउंट कोड को यूज़ करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है विजिट तो आपको अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे परचेज़ करना है आपको मैं स्टडी प्लान भी दिखा दूंगा इफ़ मैं खुशबू मैम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आप कैपिटल यू वन यूज़ करके एफ का ये बैच एनरोल कर सकते हैं इसमें आपको 77 परसेंट ऑफ मिलेगा ठीक है आपको 77 परसेंट ऑफ मिलेगा एफ के इस बैच में मैं इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा मैं आई नेम इज़ जुवेश कुमार और मैं एम इकोनॉमिक्स और बी एल एल हूं तो मैं इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लेकिन मैं आप सबको इंसिस्ट करूंगा कि आप एफ के असिस्टेंट जनरल मैनेजर को तो लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन आप इस अड्डा के महापैक को जरूर ले क्योंकि आज एक तो इस पे बेटा आज 77 परसेंट ऑफ ऑफ चल रहा है एक तो आपको 77 सेवन परसेंट ऑफ मिल जाएगा नंबर वन नंबर टू क्या है डबल वैलिडिटी मिलेगी नंबर टू क्या है डबल वैलिडिटी यानी आपको ये आ, दो साल तक के लिए जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होंगे जितनी भी हमारे मॉक टेस्ट होंगे जितने भी हमारे वीडियो कोर्स होंगे सभी मिलेंगे और वो केवल बैंक के ही नहीं मिलेंगे वो आपको एसएससी के भी मिलेंगे रेलवे के भी मिलेंगे एसएससी भी आप में से कई लोग फिलअप करते होंगे और रेलवे एग्जाम भी तो आपका एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे यानी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है अड्डा का महापैक इसे जरूर ध्यान में रखिएगा तो इसको आपको परचेज कैसे करना है उसको मैं बताता हूं और आपको ये भी बताता हूं कि भाई आप कैसे आ, उसको कर सकते क्या कहते हैं अगर आपको जस्ट वन मिनट अगर आपको स्टडी uh, प्लान देखना है तो स्टडी प्लान कैसे देख सकते हैं तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा जस्ट वन मिनट ओके ये रहा इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर ऐसे आप देख रहे हो आप केवल सर्च बार में जाके यहाँ पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा यही टाइप करेगा अड्डा टू फोर सेवन ऐसे आ जाएगा हमारी वेबसाइट आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू आपको स्टडी प्लान देखने में शायद इशू हो तो लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिएगा आप यहाँ पे एफ सी आई डालेगा एफ सी आई जैसे ही आप एफ सी आई डालेंगे ऑनलाइन क्लासेज आ जाएगी एफ सी आई की आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा बैच है टेन थाउजेंड का है सबसे पहले तो आपको मैं डिस्काउंट कोड लगा के दिखा देता हूँ जैसे ही आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे U191 ठीक है U191 आप लगाएंगे कोड तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ओनली टू थाउजेंड में आपको ये बैच मिल जाएगा कितने में मिल जाएगा टू थाउजेंड में आपको बैच मिल जाएगा अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या वो देखिए इसमें आपको बेटा मिलेगा 160 घंटे की लाइव आवर की क्लासेस 15 आवर्स रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ स्टैटिक जीके यानी स्टैटिक जीके के की भी आपको क्लास मिलेगी सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको रिवाइज कर सके तो लिमिटेड सीट है इस बैच में जल्दी ही आप क्या कर सकते हैं एनरोल करें इसकी क्लास टाइमिंग है बाईस मार्च से सुबह आठ से साढ़े नौ से छः और बारह से डेढ़ इसमें तीन टाइमिंग में है और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप स्टडी प्लान पे क्लिक कर जब करेंगे ओके तो इसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगी कि आपकी कौन सी क्लास कब होगी कौन सी फैकल्टी रिस्पेक्टेड फैकल्टी आपकी क्लास लेगी तो ध्यान रखिएगा इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फिर दूसरा मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर अड्डा का महापैक जो मैं बता रहा था जो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अड्डा का महापैक अड्डा का महापैक अगर आप बाय करते हैं तो अड्डा का महापैक बाय करने से आप एक बा वन टाइम इन्वेस्ट करके आप सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो दो साल की वैलिडिटी है तो आपके नियर एंड डियर आपके ब्रदर सिस्टर भी जो अभी फाइनल ईयर में आए हों या ग्रेजुएशन कर रहे हों उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा तो अड्डा का महापैक अगर आप देखेंगे ठीक है अड्डा का महापैक अगर आप देखेंगे तो अड्डा का महापैक आपको कितने का पड़ेगा अड्डा का महापैक आपको यहाँ पे प्राइस दिखाया दे रहा होगा अड्डा का महापैक का जस्ट वन मिनट अड्डा के महापैक को अगर यहाँ पे आप करेंगे एक सेकंड थोड़ा इसमें गड़बड़ हो रही है एक सेकंड अड्डा ओके अगर आप अड्डा का महापैक डालेंगे तो ये आपको प्राइस दिखाएगा टू ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन यानी आपका ऑलमोस्ट ये बाईस हज़ार के लेकिन अगर आप यहाँ पे कैपिटल यू वन नाइन वन कोड को यूज़ करेंगे कैपिटल यू वन नाइन वन कोड को यूज़ करेंगे तो माई डियर स्टूडेंट्स ये आपको जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा जस्ट एक सेकेंड ये कोड ओके यू U191. ठीक है अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो अभी ये शायद इसमें कोई इशू आ रहा है तो आपको ये 77% परसेंट डिस्काउंट पे मिल जाएगा किस पे मिल जाएगा 77% सेवन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एक बार मैं इसे दोबारा से करके देखता हूँ आप इसे जरूर देखेगा अड्डा का महापैक ओके okay. ये रहा। और इस महापैक में आपको जस्ट वन सेकेंड ठीक है आप यहाँ पे कैपिटल यू वन नाइन वन कैपिटल यू वन नाइन वन कोड को यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे ओके okay, तो शायद अभी कुछ इशू हो रहा है या आप ये ये अप्लाई कर सकते हैं शिव अभी को इसमें शायद मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू हो रहा है तो आपको अराउंड ये फाइव थाउजेंड का ये बैच मिल जाएगा ध्यान रखेगा और इसमें आपको सभी क्लासेज मिलेंगी चाहे वो आपकी लाइव क्लासेज हो आ, किसकी एन आर की ऑल टेस्ट सीरीज़ ई बुक्स रीजनल लैंग्वेज और बैंक के सारे एग्ज़ाम हो गए आपके आपके एस के सारे एग्ज़ाम हो गए रेलवे के ये सारे एग्जाम्स सा आपको इसमें करने को मिलेंगे तो बस इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा बिल्कुल और ध्यान रखेगा ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है तो डबल वैलिडिटी यूज़ करने के लिए आज ही इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें और ध्यान रखेगा कैपिटल यू वन नाइन वन अप्लाई करने के बाद कोड को आपको इसमें क्या मिलेगा आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ आपके द्वारा मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको समझ आई होगी और ये अड्डा का महापैक है इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा आपको ये कैपिटल यू वन नाइन वन डिस्काउंट कोड करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच बाय बाय